मैंने कागज की कितनी सारी बोट्स बनाई है। पानी बरसते ही हम इन्हें चलाएंगे। हाय इमली, ऊपर देखो कितने घने बादल हैं। बरसात कभी भी आ सकती है। इमली, तुम इन्हें बोट्स कहती हो? बोट्स इसे कहते हैं। ये देखो, तुम्हारी बोट्स में तो एक मक्खी भी नहीं बैठ सकती। मेरी बोट के बारे में क्या कहना है? इधर देखो। बंद करो ये जादू। तुमने कितनी बार कहा है ऐसा जादू पब्लिक में ना करो। इसने इमली का मजाक क्यों उड़ाया? वो उसकी आदत है। सब कुछ नॉर्मल करो जल्दी। ये बंटी कभी नहीं सुधरेगा और ये जिंटू भी कभी नहीं सुधरेगा। वीर, हम लोग बरसात आने पे रेन डांस ऑर्गेनाइज करेंगे। ओके। टिम्बक्टू, ये है लाइटनिंग रोबोट। ये आसमान में जाके सब बादलों पे आइस पाउडर डाल के जमा देगा और फुर्सतगंज में बरसात नहीं होगी। यू आर जीनियस बॉस, सुपर डुपर जीनियस। फुर्सतगंज के लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरसेंगे। फिर हम पानी के टैंकर को चला के उन्हें बहुत ज्यादा कीमतों में पानी बेचेंगे और करोड़पति हो जाएंगे। जिंदगी भर बेवकूफी की बातें करने की कसम खाई है क्या? मुझे पानी का बिजनेस नहीं करना। जब बादल जम जाएंगे तो वीर उन्हें पिघलाने बादलों में जाएगा और वहां उसे कौन मिलेगा? बोलो बोलो। वहाँ उसे आप मिलोगे बॉस, और आप उसे पकड़ के यहाँ लाने की कोशिश करोगे, लेकिन बॉस वो आपको पटक पटक के मारेगा। I'm mad, very very mad. वहाँ मैं नहीं, लाइटनिंग रोबोट मिलेगा। ये लाइटनिंग रोबोट वीर को खत्म करके यहाँ लाएगा और मैं उसका पूरा सिस्टम स्टडी करके अपना नया रोबोट बनाऊंगा। मियाओ, यू आर जीनियस बॉस, सुपर डुपर जीनियस। शी इज राइट बॉस, शी इज राइट। हे लाइटनिंग रोबो, क्या तुम सच में बिजली फेंक सकते हो? अगर फेंक सकते हो तो बॉस को दिखाओ। जी, कितने दिनों से ये बादल ऐसे के ऐसे ही हैं। पानी बरस ही नहीं रहा, ना ही ये बादल अपनी जगह से हिल रहे हैं, और गर्मी तो बढ़ती ही जा रही है। दादाजी, समझ नहीं आ रहा क्या करें। इस तरह तो सारी फसलें खराब हो जाएंगी और अकाल पड़ जाएगा। अच्छा दादाजी, मैं चलता हूँ। वीर, मैंने चेक किया है, ये बादल किसी ने साइंटिफिक फॉर्मूला को इस्तेमाल करके जमा दिए हैं। मैं तुम्हें एक सिलेंडर दूंगा, उसके अंदर की दवा के पाउडर को तुम्हें ऊपर जाके वो बादलों पर डालना होगा। उसके डालते ही बादल नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन बादलों को इस तरह कौन जमा सकता है और क्यों जमाएगा? ये तो पता नहीं, शायद कोई बरसात रोक के अकाल पैदा करना चाहता होगा। दादाजी, आप मुझे वो पाउडर सिलेंडर दीजिए, इसे मैं जाकर बादलों पे स्प्रे कर देता हूँ। मैं भी चलूंगी, मैं बादलों में कभी नहीं गई। मैं भी चलूंगा। ढेर सारी गाजर भी ले चलते हैं, वहाँ बैठ के आराम से खाएंगे। दादाजी, दादाजी। दादाजी के घर में स्पेसशिप, ये कहाँ जा रहे? मैं चुपचाप चलकर सब देखता हूँ। ओके वीर। ओ हाँ, एक बात बताना भूल गया,
ये सिलेंडर धरती पे नहीं गिरना चाहिए, वरना इतना बड़ा ब्लास्ट होगा कि पूरा फुर्सतगंज खत्म हो जाएगा। ओके दादाजी, मैं ख्याल रखूंगा कि ये सिलेंडर धरती पे ना गिरे। बाय दादाजी। बादल तो एकदम बर्फ की तरह जमे हुए हैं। अच्छा, तुम दोनों पिकनिक करो, मैं बादलों के दूसरे एंड से हर तरफ ये केमिकल बिखराता हुआ आऊंगा। रोबो बॉय सूट ऑन। रोबो बॉय सूट ऑन। तो वीर ही है रोबो बॉय, मुझे तो पहले ही से शक था। मेरा डोंकी सेंस कह रहा है यहाँ कोई है, कोई हमें बहुत नजदीक से देख रहा है। बंटी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने मेरा गाजर खाया, तुम्हारी ये मजाल, मैं तुम्हें मामे! बचाओ! मामे! दुश्मनों का दुश्मन दोस्त होता है। मेरे लाइटनिंग रोबोट, इसको अपनी शान में ले लो। अब मैं चुलबुल को नहीं छोड़ूंगा, उसने मुझे दुलत्ती मारी, हर एक लात का बदला लूंगा। बंटी मेरे दोस्त, मेरे भाई, सॉरी, तुम चाहो तो मेरी सारी गाजर खा लो। ओ, तुम कितने अच्छे हो। गाजर मैं खा लूंगा तो तुम क्या खाओगे? तुम तो बिजली खाओ, बिजली। ये कहाँ गायब हो गया? वीर बाबा, फिर नहीं मिलेंगे। वीर, तुम ठीक तो हो ना? थैंक्स इमली, मैं ठीक हूँ। ये सिलेंडर धरती पर नहीं गिरना चाहिए, वरना पूरा फुर्सतगंज बर्बाद हो जाएगा। ये तो रोबो बॉय है, दूसरा कौन है? वीर, वो सिलेंडर नीचे नहीं गिरना चाहिए, किसी कीमत पर नहीं गिरना चाहिए, उसे पकड़ो वीर। जी दादाजी। मेरे बदन से बिजली निकल
बादला बंद क्यों हो गया? इन्हीं चुलबुल चलो वापस चलना है। जिंटू बंटी ने बहुत कुछ देख लिया है, इसे सब कुछ भुला दो, जहाँ से ये आया था वहीं पे भेज दो। दादाजी दादाजी, मम्मी ने आपके लिए मिठाई भिजवाई है। सुनो बीन, पानी बरस रहा है, अब जाके कागज के बोट चलाएंगे। और चिल्बल, गाजर डांस भी तो करना है ना? गाजर डांस नहीं, रेन डांस। तुम लोग रेन डांस करना, मैं गाजर खा के गाजर डांस करूंगा। <That's all right. laughs>